मुझे ये बताओ कि मेरे राज्य का इस समय क्या समाचार है। राज का समाचार कोई प्रकार की कमी नहीं है, प्रजा सब सुखी सुखी स्वाहे हैं, खा पी कर कोई कमी नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब मेरे प्रजा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी समान रूप से रह रहे हैं, सब एकदम चकाचक है, कोई प्रकार कमी नहीं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यहां पर उपस्थित सभी सज्जनों से मेरे विषय में बताओ कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम और प्रताप क्या है। सरकार, ये आप जान रहे हैं कि मैं 2 करोड़ का नौकर आपका हूं, आपका नौकर हूं सरकार, आपके सामने मैं कैसे नाम ले सकता हूं। आप हमको क्यों लज्जित कर रहे हैं महाराज। आप आए हो तो आपने मुखबिंद से आप भैया बाबू माँ बहन को सबको परिचय बता दीजिए। तुम ठीक कहते हो साथियों, मेरा नाम दिग्विजय सम्राट महाराज सूरत सिंह है। मेरे राज्य का नाम चंदनपुर और मेरे परिवार में जो सदस्य हैं वो इस प्रकार से हैं। मेरे परिवार में मेरी पहली पत्नी महारानी पद्मावती का स्वर्गवास आज से 5 साल पूर्व हो चुका है। मेरी पहली पत्नी पद्मावती की मृत्यु के बाद मेरे परिवार में बहुत शोक सिंह छा गया। उस समय मेरा भाई कमल केवल 5 वर्ष का ही था। मैं तो राज्य के कार्यों में हमेशा व्यस्त रहा करता था, इसी कारण मेरे भाई की परवरिश ठीक से नहीं हो पा रही थी। मेरे भाई कमल की उसको खींचने से मेरा भाई कमल मेरे लिए प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। वो मुझे उसी प्रकार से प्रेम करता है जिस प्रकार से श्री राम को लक्ष्मण किया करते हैं, उसी तरह से मेरा भाई कमल मुझे बहुत प्रेम करता है। राज के कार्य में व्यस्त रहने के कारण मैं उसका ठीक से देखभाल नहीं कर पाता था, इसलिए एक दिन मेरे ही परिवार से संबंधित मेरे महामंत्री जो मेरे तमाम युद्ध में प्रमुख सेनानायक का कार्य करते हैं, वो मेरे पास आकर बोले, महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। यद्यपि मैं दूसरा विवाह तो नहीं करना चाहता था, परंतु जब बात मेरे भाई कमल की आई तो आखिरकार मैंने महामंत्री सुल्तान सिंह की बात को मान लिया और जयपुर की राजकुमारी कलावती से अपना दूसरा विवाह कर लिया। कलावती जब से मेरे राज्य में आई है, मेरे राज्य में बहुत खुशियां आ गई है। इस तरह से मेरे परिवार में खुशियां छा गई।
मेरा परिवार खुशी में झूम उठा। राज दरबारी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आसन की व्यवस्था की जाए, बैठने की व्यवस्था की जाए। कदाचित मेरा विचार है कि इस समय मेरी महारानी कलावती कहां पर है, जाकर के पता करो और मेरे सामने उन्हें उपस्थित करो। हाँ महारानी कलावती, महाराज आपको याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी आइए। महारानी के चरणों में दास का प्रणाम सब क्या रहो। खुश रहो। कहो तुम कैसे हो, सब ठीक है? महारानी एक घर बच्चा सब सुखी सुखी है, कोई प्रकार की ये बता तुम मुझे किस लिए बुला रहे हो? रानी साहिबा, मैं आपको नहीं बुलाया, महाराज जी आपको बुलवाए हैं। चलिए महाराज जी के पास। महारानी कलावती, अरे प्राण प्रिया हरि दल चमके तुम्हारा, स्वामी जी आज मुझे अचानक इतनी जल्दी बोला, क्या रंग का है बताइए, क्या कारण है बताइए? जरूर बताऊंगा महारानी, इसलिए तो तुम्हें मैंने बुलाया है। अरे प्राण प्रिय, जो कार्य मुझे बतलाने को उलिम होया, है हर्ष हृदय में मेरे आज
इस कारण से निभाया है। अरे देवर तेरा हो चुका पड़ा, देवर तेरा हो चुका पड़ा, अब साथी उसकी रक्षा होगा। अरे इच्छा का बोलो तुम्हारी माथे पर सेहरा सजा, प्राण प्रिये मेरी दिल में तबन्ना हुई है, कमल बड़ा हो गया तुम्हारा वेवर और अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूं कि आखिर कमल के शादी के विषय में तुम क्या कहती हो। स्वामी जी जैसा आप उचित समझी, लेकिन आप तो निर्णय ले लिए हैं, थोड़ा कमल से ही तो बात कर लीजिए। क्यों क्या कह रहा है, शादी करेगा या नहीं करेगा? महारानी शादी तो हर एक इंसान को करनी ही चाहिए और करनी भी पड़ती है, नहीं तो फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कमल दुनिया से बाहर तो नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है स्वामी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि उससे पूछ लीजिए कहीं कोई लड़की तो नहीं देखा है। अब मुझे यकीन हो गया कि महारानी तुम कहीं मुझसे अत्यधिक कमल से प्रेम करती हो, तुम्हारी बातें प्रमाणित कर रही हैं, तुम्हारी बातें प्रमाणित कर रही है कि मुझसे ज्यादा तू कमल को प्यार करती हो। इसीलिए ना, इसीलिए कमल की जो है हर एक समस्या को समझती हो, इसीलिए कह रही है कि पता नहीं कोई लड़की तो नहीं देख रखा है। जी ऐसा ना हो कि आप शादी नहीं कर दे और आप वो आकर के आपसे इनकार कर दे कि भैया मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए पहले उसकी राय ले लो, उसके बाद आगे बात होगी। बिखुआरी की आ जाए, बिखुआरी करेंगी ना तो हम तैयार करो, लेकिन देखा भाई महारानी या फट कर दी हो रहा है, ऐसे देख लेगी आज स्वीकार कर दे। देखो गोरेलाल, तुम तो जानते हो मैं जो भी बात कहती हूँ वो सत्य कहती हूँ। पहले जाकर के कमल को बुला कर लाओ, उनसे सारी बातें तुम्हारे भैया करेंगे, ठीक है? जाओ प्लीज यू कैन गो। जैसे महारानी मेरे कमल को प्यार करती हो अपने बेटे के नजरिए से, ऐसे ही उसे प्यार करना और उसे कभी अपनी नजरों से दूर मत करना। महारानी मेरी तुमसे यही उम्मीद है, कुछ कहना चाहते हो बोलो। हम तुम्हें इतना प्यारी करेंगे स्वामी जी, हम तुम्हें हर जाई
स्वामी जी, हम लोग यही सारी बातें करेंगे तो देवर आ जाएगा तो क्या सोचेगा, इसलिए आप बैठ जाइए, हम देवर को आने दीजिए। कहे भैया भौजी में हरई फान मैं तो कह नहीं रहा था, तुम्हें कह रही थी साथ नहीं देता तो कितना ये कितना चंचल कितना नखत हो गया है कि क्या बोल देगा, कोई पता नहीं। अब हाँ मान लेते हैं हम नौकर है, देखते है नौकर नहीं नौकर। हाँ नौकर है और नौकर थोड़ी हो, तुम तो एक नाम की नौकर हो, तुम तो मेरे जिगर टुकड़े हो। अरे जब अब जिगर के टुकड़ा सबसे बड़ा भैया छोटा है तब हम है दोनों भाई एक जगह। अरे कोई बात नहीं, वो तो सगे हैं, उसकी बात छोड़ो, तुम तो उससे भी ज्यादा हो। हमारे भाजन ने हमें हमका ना आज आज चलो ना का खिया वो। देखो इतना बड़ा राज हमारा है, हमारे राज में कोई चीज का कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, तुम्हें जो भी चाहिए जो भी इच्छा करे खाने का देखा भैया पीने का हर चीज उपलब्ध है। चला भैया आवत है आज आज ले जाइए ये बाजार से चमाई कोई बनो। ये सब क्या बात करते हो, ये सब व्यर्थ की बातें ना किया करो, जाओ अपने भैया को लेकर आओ कमल को। मैं मस्ती हूँ मस्ती में आके झूम लेता हूँ, जब आँखें बंद करता हूँ मदीना घूम लेता हूँ। Thank you.
तो हम पहाड़ा पूछत है तो हमसे नमस्कार का कहते भैया नमस्कार। हाँ तब हम तो उसे पहाड़ा पूछते हैं। हाँ तो क्या पूछ रहे थे? अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ भैया। अब है तू कलेजे से चले ही आवत है? नहीं मैं फेफड़े से आ रहा हूँ। फेफड़ा कैसे कलेजे से? मैं पढ़ी के आवत है ना कॉलेज से। कॉलेज से? हाँ कॉलेज में आ रहा हूँ। भैया हो? हाँ भैया। तो तुम्हारा बड़ा अच्छा हो गया? नहीं तिलक हो चुका। अरे यार हम तिलक पर करवा दिया है। अच्छा परीक्षा की बात है? परीक्षा मैं परीक्षा सारा काम मुझे करके मैं चल रहा हूँ। अच्छा पहले बताइए कि हमारे बड़े भैया इस वक्त है कहीं? वो तो कैमरे में है। कैमरे में नहीं कमरा में। कमरा में? हाँ हाँ माल में है इस वक्त। हाँ समय भैया भौजी दोनों जने भाभी भी है भैया भी है। चलो बड़ी अच्छी मुलाकात होगी और उनसे चलो पहले चलकर मैं आशीर्वाद ले लूं। बड़े भैया चरण कमल पुरस्कार दे रहे हैं इस बार के हमारे हार्दिक स्वागत। कमल हमेशा खुश रहो मेरे सिर के और कहो कमल सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मैं क्या तुम्हारी भाभी हम दोनों जानना चाहते हैं कि तुम्हारी वकालत की पढ़ाई का क्या हाल हुआ है? कैसे तुम खुश तो? बहुत खुश हूँ भाभी। खुश तो नहीं दिखाई दे रहे? अगर खुश होते तो कपड़े अच्छे ढंग से पहन के आते। चलो ठीक है बता तुम क्या बात है? मैं बता रहा हूँ भैया आप पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें पैसे नहीं था क्या? अगर पैसे नहीं है पैसे बदले मुझसे कह देता पगले मैं पैसे तुम्हें दे देती।
भाभी भैया बड़ा मिर्चुक है, चला कहना पढ़ लिख रहा है ना, ये कोई नई बात तो है नहीं, आप तो हमेशा मुझे पैसा दिया करती थी, मैं भी जितना पैसा पाया सब पढ़ाई में खर्च कर दिया। अच्छा सारी बात छोड़, तुम्हें बताओ तुम्हारी पढ़ाई की क्या हाल है? मैं बता रहा हूँ, किया भैया जे साथ देती रही मेरी सतदेर ने, प्रथम नंबर में आया हूँ कॉलेज में, साथ देती रही मेरी सतदेर ने, स्कूल में सबसे फर्स्ट लड़का मैं नंबर पाया हूँ। आपने तो मेरा 356 नंबर ऐसा है, तुम कम बोलो ठीक है, मेरे देवर से ज्यादा भाष न किया करो। देवर ये तो बड़ी खुशी की बात है, सुन रहे हैं आप? अरे मेरा देवर फर्स्ट डिवीजन आया। जब तुम्हारा देवर फर्स्ट यानी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे पता है तुमने ही यही रूप है, और होना भी चाहिए, छोटा था तभी से तुम उसकी परवरिश कर रही हो। आज तक हम लोगों ने कोई औलाद अपने लिए पैदा नहीं किया क्योंकि अपना कमल ही बेटे के ही तो समान है। कमल सुन, मैं तेरे लिए कह रहा हूं, अब मेरी साले मेरी सावान, मेरी साल तूने पढ़ाया कमल है, मेरी साल तूने आज पढ़ाया कमल है, और जो कॉलेज में आया प्रथम नंबर तुम्हें एक दिन जज बनाऊंगा भैया, घर का नौकर ये हाजी कर महारानी ज्यादा बढ़ा दी है, हज ना करें इनके ले जा मदीना, हज कहा था हाँ कि जज कहा था करे महारानी कुत्ता नीचा लपंगा करा करा करा। हज किसे कहते हैं जानता है? मैं हज ही पूछ रहा हूँ, हज किसको कहते हैं बता? हम तो पढ़े लिखे है यही ना है महाराज, जानता नहीं है तो बिना वजह से क्यों बोलता है? हज मुसलमान भाई करने के लिए जाते हैं। हिंदू भाई ना, हिंदू क्या है? हिंदू भाई, हिंदू क्या है? हिंदू भाई गया करने के लिए जाते हैं। प्यार दुलार महारानी ढेर बढ़ाए गए हैं धारा में दिन सफर के, यही जान ली है। मैं कह रहा हूं तुम्हें एक दिन जज बनाऊंगा भैया, न्यायाधीश जजमेंट देने वाला, फैसला करने वाला है, भगवान के बाद इस धरती पर दूसरा भगवान। हाँ
तो तुम्हें ये कितनी तिथि बनाऊंगा भैया, अरे तुझे नाचे से मैंने पाला भैया। मेरा सपना है कि एक दिन तुझे मैं न्यायाधीश यानी कि जज बनाना चाहता हूं। भैया मैं अपने माँ बाप को कभी जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन भैया आप लोगों का प्यार दुलार आपका बड़ी भाभी का मुझे महसूस ही नहीं हुआ, और आज भी मुझे पता चलता है कि हमारे माता पिता भी ऐसे ही रहे होंगे। आपने मेरे परवरिश को कोई कमी नहीं छोड़ा। कमल, हाँ भैया, मैं जानता हूँ तू मेरे सपने को साकार जरूर करेगा, लेकिन आज मैं तुझसे बहुत खास बात पूछने वाला हूँ। भैया आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। बोलिए भैया। हो गया है सयाना, अब अपना कुंवरी हो चुका तू सयाना। हो गया तू सयाना, अब तू अपना कुंवरी, इसलिए तेरी शादी रचाऊंगा मैं, तेरी भाभी भी कहती यही है तेरे लिए कि तेरे माथे पे सेहरा बधाऊंगा मैं। कमल, हाँ भैया, तू बड़ा हो गया है, मैं चाहता हूँ तेरी शादी करो, लेकिन तेरी भाभी ने मुझसे जिद किया कि कमल से पूछना जरूरी है, इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। भैया मैं दुनिया के निगाह में बड़ा हूँ, लेकिन आपके निगाह में मुझे एक छोटा सा बालक हूँ। मेरे प्यारे देवर, हाँ भाई बोलिए, बता, हम लोगों की इच्छा है, ठीक है, हम लोगों का दिल है कि तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम्हें अब जवान हो गए हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। बोलिए, शादी की बात कर ले, नहीं भैया जे शादी से इस घर मुझको इनकार है, अभी पढ़ने और लिखने के